फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। आज का हमारा ये वीडियो है क्विज फॉर वाज एंड वर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई डैश हंगरी, तो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? वाज। आई वाज हंगरी। वी डैश वेटिंग फॉर देम। वी भी प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं? वर। तो वी वर वेटिंग For them, the girls dash singing. तो the girls, girls यहाँ पे क्या है? Plural form है, तो were. The girls were singing. The peacock dash dancing. Peacock यानी एक animal की बात हो रही है सिर्फ, sorry. बर्ड की, नेशनल बर्ड। पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है ना, तो द पीकॉक वॉज डांसिंग। इट वॉज गेटिंग डार्क। इट के साथ हम क्या यूज करते हैं? वॉज। एपीजे अब्दुल कलाम डैश प्रेसिडेंट ऑफ अवर नेशन। तो एपीजे अब्दुल कलाम एक पर्सन की बात हो रही है सिर्फ, यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं? वॉज। यू एंड आई डैश वॉचिंग टेलीविजन। यू एंड आई दो जने हो गए, तो हम क्या यूज करेंगे? वर। यू एंड आई वर वॉचिंग टेलीविजन। द म्यूजिशियंस, यहाँ पे एस लगा हुआ है म्यूजिशियन के आगे, प्लूरल हो गया, तो ये प्लूरल नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं? वर। The musicians were playing in the show. Where was you last night? It was a good show. Who was your class teacher? If एक person की बात हो रही है, class teacher कोई एक ही होगा, तो who was your class teacher? We were enjoying very much. The moon was glowing yesterday. They were running till the tree. Who was your class teacher? Dash I not qualified? Was I not qualified? Dash you coming yesterday? Were you coming yesterday? Water in the bucket was cold. Thanks for watching Kids Pride. I hope मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।